तो दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं कहाँ आई हूँ, आकर आपको बता रही हूँ। हमारे घर से थोड़ा दूर है लेकिन क्या करें, हमें आना पड़। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारी खूबसूरत बगिया में रोहित के साथ। नमस्कार साहेब। नमस्कार साहेब, जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों रोहित हमको बताएगा कि हम अभी क्या क्या सब्जियां लगा सकते हैं। क्या क्या लगाएं रोहित, इति देख ना वो। हमन का का लगाए अभी? पालक, हाँ, लाल भाजी, कुसुम भाजी, हाँ, चलई भाजी, हाँ। देख कुसुम भाजी सब नहीं जानते होंगे, सारे लोग नहीं जानते। कट ही कट ही जाते ना। हाँ हाँ, मैंने तो उसको आज तक खाया नहीं। नहीं खाया? हाँ, वो एकदम मस्त लगता है। ऐसा क्या? अच्छा, हमने एक बार उगाया था तो पड़ोसियों को दे दिया था, कहीं और रहती थी तो। नहीं, उगता बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मतलब नहीं, थोड़ा खट्टा डालते हैं, एकदम मस्त लगता है। ऐसा क्या? मूली भाजी, जिसे मूली भाजी खाता है ना, वैसे अच्छा लगता है। अच्छा, थोड़ा और पीछे चलो। तो दोस्तों आज हमने बुलाया है रोहित को, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, अकेले काम नहीं कर पाती हूँ, तो फिर रोहित का सहयोग लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने माली नहीं लगाया हुआ है, तो दोस्तों इतना बड़ा गार्डन को संभालना इजी नहीं है, इसलिए कभी कभी मैं रोहित को बुलाती हूँ, जो दुनिया के नखरे करके फिर रोहित आता है। आज नहीं आऊँ, कल नहीं आऊँ, परसों नहीं आऊँ। एक्चुअली रोहित को मैंने कल के लिए बुलाया था, तो रोहित आया नहीं, तो आज आया है। तो ज्यादा काम रोहित को आज हम गार्डन का नहीं करवाएंगे रोहित से आज। लाल भाजी में तो तोड़ने लायक हो गया। हाँ, ये तोड़ने लायक हो गया है, इसको तोड़ूंगी तोड़ूंगी तोड़ूंगी, इसको आज तोड़ लूंगी। तो दोस्तों आज हमको काम है घर के अंदर का, क्योंकि दीपावली रेंगे के लिए जगह नहीं मन में नान नान के। हाँ देखो कैसे कान भर रहा है शर्मा जी का, बोल रहा है रेंगे के लायक जगह नहीं है, और ये अब ये भी समर्थन कर रहे हैं। कितना कन मिट्टी है नीचे में देख लीजिए दोस्तों, मेरी मेहनत को कोई नहीं, आप ही लोग बस सराहते हैं, बाकी लोग बुराई करते हैं। और ये जो है ना, ये आदमी का शक्ल पहचान लीजिए, ये बोलता है मोर बर तो खैता है, खैता है, खैता है, खैता मतलब छत्तीसगढ़। जगह नहीं है साहब, तक बता दो रेंगे के लायक जगह। हाँ देख लो, बोल रहा है मोड़ में थोड़ी मढ़ा के रखेंगे, तो मतलब मेरी मेहनत का कोई असर ही नहीं। और आप भी इसी के चक्कर में पड़े हैं रोहित के, चलिए निकलिए आप लोग। तो इन लोग क्या कहते हैं कि ये रोहित कान भर रहा है कि ये खैता खैता मतलब फालतू सामान को भर रही है। ये क्या बोलता है दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, इतने खूबसूरत पौधों की कौन बुराई कर सकता है, लेकिन ये रोहित करता है। बोलता है इसमें ना तो खुशबू रहती है, ना कोई काम का है, तय काबर इकट्ठा करा था, तय काबर लगा था, छत्तीसगढ़ी भाषा में मेरे को बोलता है। बताइए कितनी बुराई करते हैं लोग मेरी, मेरी मेहनत में तो पानी फेर देते हैं दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों पर भरोसा है। क्या बोले आप? बंद करना पड़ेगा, जाइए आप बंद करिए, गमला लेते चलिए साथ में। तो ये वाला, हाँ ये वाला जो है हमारा, ये हमारा ग्राफ्टेड है, कितनी मेहनत कर रही हूँ और मेरी बुराई करते हैं लोग, गजब हो गया भाई। चलो रोहिता ऊपर चलते हैं, बहुत काम है। ये देखिए ये हमारा कितना सुंदर कलर है ना, इसमें यार बहुत कलर है मेरे पास, तीन चार पौधे। ये हमारे घर पालक भाजी नहीं है। हाँ रोहित, अब देखो रोहित बोल, अभी तारीफ किया मेरी, ककरो घर पालक भाजी नहीं है और तय बारह महीना पालक भाजी खा थस, ये हुई तारीफ। अब बुराई करते हो फिर तारीफ करते हो, चलो ऊपर चलते हैं, चलो चलो चलो। कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है इसमें खुशबू नहीं है लेकिन कलर कितना सुंदर है। आप देखिए हमारे गार्डन में कलर ऐड करता है, देखिए आप हैं, बुराई करते हैं हमारी, हमारे पौधे ना गुस्सा हो जाएंगे। ये हमारा परचुलाका है, अब हम चलते हैं ऊपर, पानी जो ओवरफ्लो होके नीचे गिरता है। देखिए कितना सुंदर गार्डन लगता है हमारा। ये वाले पौधे को मैं आपको नहीं दिखा पाई, दिखाना था, पर धूप, जब दोस्तों धूप ज़्यादा हो जाती है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। बता रोहित हमारा गार्डन कैसा है? वेला पूछना है वाले दोस्तों को, वो तो बोलते हैं, तुम बताओ कैसा है हमारा गार्डन? तो पूरा मजेदार है, मजेदार है दोस्तों। ये भी डबल पेटल है और कितना खूबसूरत कलर है, ये वाला कंझट लगता है इसको बोलता है। तो दोस्तों इसमें आज हम उगाएंगे सब्जी, तो इसमें हमने नीचे भर दिया है पत्ता,
ऊपर से भरेंगे मिट्टी और भरकर हम क्या उगाएंगे आपको बताते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं पौधे हमारे, देखिए लौकी है, टमाटर, करेला, भाजियाँ, बैगन, इधर भी बैगन, का पता रोहित ये तो ऊपर लगता है आसमान के लिए सीढ़ी बना रहा है। देखिए बैगन हमारे, ए रोहित चल काम काम, इसमें मिट्टी भर। ये हमारा अदरक, धनिया, बहुत सारा है, मैं आपको आज दिखा नहीं पाऊंगी, बहुत व्यस्त हूँ। ये हमारी ब्रोकली है, दिखा इसलिए नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी मैं रोहित के साथ घर के नीचे जो है घर के अंदर काम करेंगे साफ सफाई दीपावली की, तो रोहित की हेल्प लेकर। देखिए कद्दू फल रहा है, हाँ कितना सुंदर है, देख देखा अब देख कितने बड़े बड़े अदरक हैं और अदरक पड़ना शुरू हो गए हैं। ये तो हो गए ना, ये तो ऊपर हाँ पड़ना शुरू हो गए हैं, हल्की सी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हुई हैं। मिर्चियां हमारी देखे, दाल चावल मिर्ची, आप एक एक ऐसे गुच्छे फले हुए हैं, देखे गोल मिर्चियां हैं। रोहित मेरी बुराई करता है, शर्मा जी से लड़ाई करवाएगा हमारी घर में है, खैता है साहेब, देखिए तो साहेब चले के जगह नहीं है साहेब, तो साहेब बोले हाँ हाँ सही है सही है सही है, जब मैं चमकाई दोनों जन को तहाँ फिर शांत हो गए दोनों। ये देखिए हमारी ये कितनी सुंदर इनकी सेवा कर दी, मैं आ रही हूँ। देखिए हमारा ये लौकी और इधर हमारे सारे अपराजिता, चना भाजी देखिए कितनी सुंदर निकली है, हमारी बुराई करते हैं। फिर बोला बता 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 दोस्तों को बता, ककरों के यहाँ चना भाजी का पेड़ नहीं है और तय चना भाजी खा था दोस्तों देख रहे हैं। देखिए करेला हमारा इधर कितने चार पांच है, वहीं पर रख के उसको भरों में आ गई दोस्तों, जिस कंटेनर में हमने जैसे इधर हमने लगाया कल धनिया, वो रह गया था क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हो गई थी, आज भी धूप हो गई है। देखिए कर हमारे ये, तो आज मैं उसमें कुछ उगा दूं दोस्तों, क्योंकि मैं रोज कुछ ही ना कुछ उगाती हूं, क्योंकि हम दोस्तों प्योर ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं, कोई चीज हम नहीं खरीदते, भले साग भाजी पत्ता ये सब खा लें लेकिन हम मार्केट का नहीं खाते हैं। फूल ब्रोकली है वो, हाँ ब्रोकली उगाई थी मैं, पौधा बनाई थी, दाना लाई थी। इधर हमारे एडेनियम बैठे हैं, देखिए कितने सुंदर बैठे हैं एकदम एक लाइन से, जैसे कोई इनको पार के बिठा दे, पार के यानी सांचा में ढाल के बिठा दिया हो। देखिए दोस्तों आप लोग एडेनियम मांगते हो, खली मांगते हो, खली कसम से मेरे यहाँ रोहित कम से कम 1.5 क्विंटल खली होगी मेरे घर में, बोरियों में उठा उठा के तुम निकाले हो, गैरेज में रखे हो, हाँ तो मैं कैसे भेजूं ऑनलाइन, मेरे को टाइम ही नहीं रहता। देखिए कितना सारा इसमें, ये देखिए फल आ रहे हैं, ये देखिए देख रहे हैं फल ही फल दिख रहे हैं। और एडेनियम भी मांगते हो, मैं कुछ चीज के लिए मना नहीं करती, मैं मेरा ना बहुत बड़ा दिल है, मैं दे देती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, मैं भेज नहीं पा रही हूँ। चल आ रोहित, टाइम नहीं है रोहित, आ तू, मैं क्या बताऊँ तेरे को। ये हल्दी, करेला देखिए, बीच में करेला थोड़ा सा वो हो गया था हमारे यहाँ कम, फिर देखिए अपने आप जैसे मिट्टी हमने तैयार करी करेले ही करेले हो गए। भाजियाँ देख रोहित का, मतलब भाजी कितनी सुंदर लहलहा रही है ना, तो हम क्यों कोई चीज को खरीदे, खेड़ा है तोरे यहाँ के बीज है रे, हाँ वही के बीज है, कितना बढ़िया बहुत अच्छी क्वालिटी का खेड़ा। ये देख वो कंटेनर में भी पूरा खेड़ा हो गया, क्योंकि मैं बीज निकाली थी ना वहाँ पर, तो बीज को मैं कलेक्ट रख नहीं पाई, वही मिट्टी में झड़ गया। तो ये देखिए धनिया में पूरा ये, तो लेकिन इनको हम फेंक नहीं रहे, उखाड़ के खा लेते हैं। अच्छा से लगे तो अच्छा, मीठा वाला बहुत मीठा है, बहुत मीठा सच्ची में, कल हमने खाया इसको। तो दोस्तों अभी हम उगाएंगे, ये देखिए हमारा ये कंटेनर एक एक लेयर इसमें लग गया है, इसमें हमने नीचे छेद कर लिया। तो देखिए दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि फ्री की गार्डनिंग, ये पत्ते जो है बच गए गायों से, ये कंटेनर भी हमको कहीं रोड साइड मिल गया, अब इसी में हम मतलब पत्ते की खाद और जो किचन वेस्ट और जो घर में हम खाद बनाते हैं आपको बताएंगे अभी, उसी से हम भरेंगे कंटेनर। इसको पलटो मिट्टी को, तो का देखा था, ये मधुकामनी है, स्वर्ग से आया हुआ पौधा, कितना सुंदर फूल आया है, इसको ढक दिया है ये, जल्दी कर बहुत तेज धूप, मधुकामनी अब तक बोल दे खाईता है मोर बर, उपयोग आवत है, सब चीजें मन को प्रसन्न करती हैं, खुश करती हैं, और मतलब कि घर के वातावरण को अच्छा करती हैं। जो पौधा स्वर्ग से आया हुआ है वो घर के लिए कितना शुभ होगा बता हमारे लिए, हाँ
ये का है, का उतना मोटा दबा रहा है, पटनी हटा तो दे, नहीं, हटा दे, नहीं सड़ जाए। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ, बोरी मत घसी, डब्बा सिलाना, चारी डब्बा चाहिए। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जो अगर ये रोहित बताने देगा, बहुत डिस्टर्ब करता है ये रोहित मेरे को, पर ठीक है, अब क्या करें, इसके बगैर हमारा काम भी नहीं चलता, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, आता भी है और डिस्टर्ब करता है, नुकसान भी करता है, मेरे पौधे कभी कभी ना काट देता है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही थी कि लीफी वेजिटेबल के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ढेर सारा जो रासायनिक और जो कीटनाशक डालते हैं लोग बेचने वाले, वो हमारे अंदर जाता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जिससे हम बच सकते हैं, इस तरह के कंटेनर, हल्के कंटेनर, आपकी छत भी हल्की, नीचे हमारी खाद भी बन रही है, ऊपर से मिट्टी और खाद डालकर हम इसमें सब्जी मतलब वेजिटेबल उगाएंगे, लीफी वेजिटेबल। तो लीफी वेजिटेबल के लिए आप हमेशा चौड़े मुंह का कंटेनर लें, जितना चौड़ा इसका ऊपर का भाग रहेगा उतना ही आपको सब्जियाँ मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा जगह ज़्यादा सब्जी। तो इस तरह से दोस्तों आप इतने हल्के हल्के कंटेनर में आप सब्जियां उगाएं और इस टाइम पे हाँ इस टाइम पे तो आप हर सब्जी कुछ भी आए बाएं भी अगर दाना फेंक बस 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 बस, बस, बस। ज़्यादा पचन फिर नहीं 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 तो बहुत कम इसको लीफी वेजिटेबल जो होता है ना, तो इसके लिए हाँ फाड़ दे, ज़्यादा गहराई का कंटेनर नहीं चाहिए। जब हम बेल वर्गीय सब्जियां लगाते हैं उसके लिए गहरा पॉट चाहिए, इनके लिए हमको गहरा पॉट नहीं चाहिए। 6 इंच 8 इंच के गमले में भी या बराबर ऐसे करके आप सब ये लीफी वेजिटेबल उगा सकते हैं, बहुत अच्छी होगी। बराबर करना है, अब वो उधर से एक प्लास्टिक उसको हटा लो उसको, हाँ उसको बराबर कर, तो इस तरह और प्लास्टिक जो भी है उसको हटा लेना। देखिए दिखा ना, ये देखिए दोस्तों इस तरह से इसमें पत्ते की खाद, किचन वेस्ट की खाद, राख और नीम, सूखी पत्तियां नीम की, ये राइस हस्क, ये सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं। देखिए ये कोयला है, देखिए कोयला, इस तरह से हम मतलब पूरा जैविक चीज, ये देख दिखाया कितना काला काला एकदम, मतलब प्योर ब्लैक गोल्ड, ये देखिए ये सब खाद है। इसको हाथ में डाल, मेरे मोर हाथ में डालना। तो दोस्तों और देना, और थोड़ा घना उगाती हूँ मैं, हाँ हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें मैं उगाऊंगी पालक। पालक कितने कितना पौष्टिक होता है, इसमें कितना आयरन होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर आप इस तरह से उगाते हैं तो इसका तो फिर कहना क्या। तो दोस्तों ये आपको 20 तक दिन में हार्वेस्ट कर सकते हैं ना रोहित। मेथी है, मेथी छोड़ दे। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे दानों को, थोड़ा सा और दे दे। होता क्या है ना दोस्तों, 100% बस 100% किसी चीज का जर्मिनेशन नहीं होता है, इसलिए अपना मार्जिन लेकर चलो आप कि ये इतना नहीं उगा तो इतना तो उगना ही उगना है। थोड़ा सा ज्यादा डाल दे, बस बस बस, अब मत डलवे, नहीं डाला तो ना है। तो दोस्तों इसमें हर चीज मिला हुआ है, हमको कुछ डालने के, भिंडी हाँ होगा, हाँ खातू ही खातू, तो काम नहीं करने देगा मेरे को। अब एक मुट्ठी इसमें छिड़क दे वही खाद वाली मिट्टी, हाँ नहीं ऐसे छिड़क दे। तो दोस्तों अब इसको हम ढक देंगे 3-4 दिन 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा लेगा ये अंकुरण में, ये अंकुरित होगा 20-22-25 दिन में दोस्तों ये आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लगेगा। आपको इसके पत्ते इसके तोड़ने हैं, ना कि इसको जड़ से उखाड़ना है। एक बार आप उगाएंगे 6 महीना खाएंगे, आपको 6 महीने से भी ऊपर का मैं पालक दिखा दूंगी। जैसा कि रोहित बोल रहा है कि अभी कहीं पालक नहीं, इसके यहाँ पालक है, क्योंकि मेरे यहाँ 12 महीना पालक रहता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे और जब तक अच्छे से इसका जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, तो हम बहुत तेज प्रेशर से पानी नहीं डालेंगे, मतलब पानी को स्प्रिंकल करेंगे। जैसा ये रोहित अभी मिट्टी कर रहा है ना, देखिए कितना जानकारी है इसको, इसी तरह से हम पानी को करेंगे, प्रेशर से करेंगे तो दाने इधर उधर हो जाएंगे। एक डब्बा और डाल दे बस। तो ये हमारा लग गया पालक। पालक दोस्तों मेरे पास बहुत लगा हुआ है, क्योंकि पालक हम लोग बहुत खाते हैं इसलिए हम ज्यादा उगाते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब कभी मत सोचेंगे नहीं हमने तो उगा दिया। एक कंटेनर का आप तोड़ेंगे, बहुत गहराई में नहीं दबाना है, दबा दो बराबर करके, एक ही जगह मत करना इसको, बहुत गहराई में नहीं दबाना है दोस्तों। बस बस उसको हटा दे बस। ये देखिए ये सीमेंट का टुकड़ा तो नहीं है, नहीं मिट्टी है।
तो ये हमारा उग गया। अब इसको हम पानी सींच देंगे हल्का सा। और पालक में इस टाइम पे अभी बहुत गर्मी पड़ी तो एक टाइम पानी डालिए शाम को, बस इतना सा ही आपको पालक के लिए करना है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको पालक। लाल भाजी और डाल दे, ये देखिए पालक, इसको हमने करीब 20 दिन पहले उगाया था। कितने सुंदर इसके कितने ताजे ताजे पत्ते हो गए हैं और ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो जैसे इसको हार्वेस्ट किया, फिर ये एक दो चार दिन तो लग ही जाएगा ना दोबारा हार्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको दूसरे दिन पालक खाने को मन किया तो कहाँ से खाएंगे। इसलिए कई कंटेनर में एक तरह की सब्जियां उगाएं इस टाइम पे। जैसे धनिया, धनिया हमने इसमें भी उगाया है, धनिया हमने इसमें भी उगाया है, ये देखिए, और धनिया हमने इसमें भी उगाया है। और दिखाती हूँ धनिया, ये शुरू की धनिया है तो थोड़ी सी अब ऐसी हो गई खाते खाते, लेकिन ये मौका ही इसको नहीं मिल रहा बढ़ने का क्योंकि हम तोड़ लेते हैं, पर फिर भी ये धनिया हमको पर्याप्त इससे मिल जा रही है अपने खाने के लिए। और अभी हम नीचे भी धनिया ढेर सारी उगाए हैं तो उसको भी खाते हैं। वाह क्या खुशबू है, उसमें लहसुन की पत्तियाँ हैं। रोहित ये पालक की डब्बी उठा ले। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। अभी हमको घर के अंदर बहुत सारा काम है। हमारे करेले देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं जगह जगह। चलो रोहित क्या कर रहे हो? मेरा तो नीचे कर रहे क्या? नहीं मैं कुछ नीचे नहीं कर रही हूँ, पालक का डब्बी नीचे करने बोली हूँ। देखिए दोस्तों यही उल्टा सीधा ये काम करता है। अब वो कितना सुरक्षित कितनी अच्छी जगह में, अगर मैं नहीं देखती तो उठा के फेंक देता उसको। अब फिर मैं चिल्लाते रहती। मैं ये पालक का जो डब्बी है जिसमें मैंने पालक रखती, मैं ऐसे दानों को ऐसे सुरक्षित रखती हूँ घर में ही, दानों को बना लेती हूँ। हाँ देखा भी गिर जाता है तो ये ना उल्टा सीधा बहुत काम करता है। मैं बोलूंगी कुछ और सुनेगा कुछ, उसी में हो जाता है हमारा नुकसान। अब क्या करूं, अब इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता, बहुत परेशानी है हमको। इसी का ये फायदा उठाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोज की जानकारी मिलती रहे कि मैं क्या मतलब रोज का अपडेट क्या उगाती हूँ कैसे उगाती हूँ, आपको ये सारी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आज जो है ना रोहित गार्डन का काम करने नहीं आया है, आज हमको वो घर में हेल्प करेगा। जैसे देखिए सब पर्दे वर्दे धुल रहे हैं, ये सोफे का कवर, ये सारा कुछ तो ये हमने शुरुआत कर दिया है। उसके आने से पहले मशीन में डालते चले गए हैं क्योंकि रोहित मशीन में नहीं डालेगा, उसको चालू भी करना नहीं आता है। नहीं नहीं उसको अंदर। तो हम काम शुरू कर चुके हैं, धोगे तो सब मिट्टी के हैं, बह जाएंगे। वाह अब तोड़ दे तू, फूट जाए नहीं फूटे। ये देखिए दोस्तों ये मिट्टी के हैं और इनको ये रोहित ना नहला रहा है, और जब टूट जाएंगे तो बोलेगा अब मैं क्या करूं, टूट गए तो उसका कान का टूट जाएगा, गले का टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आराम से आराम से आराम से। दोस्तों ये हमारे ना चार हैं, ये देखिए ये सब बैठे हैं। हाँ, पहलवान है म्यूजिक मतलब वो ढोलक देखा देखा म्यूजिक वाले। देखिए ये ढोलक वाले ढोलक। तो दोस्तों इस छत में भी हमारे ढेर सारे पौधे हैं। ये हमारा बोनजाय है, कितना जबरदस्त कितना, देखिए ये ऐसे हाथ में नहीं आता है, अब इतना मोटा हो गया है। इसको थोड़ी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, जितना इसको प्रूनिंग करेंगे ना उतना ही तंदुरुस्त ये पौधा होगा, उतना ही घना होता जाएगा। और ये हमारे एडेनियम है, हाथी महाराज लुढ़क गए हैं। देखिए एडेनियम हमारे, इसको क्या हो, ये देखिए इसमें कली आ रही है। ये ग्राफ्टेड है, डबल पेटल है, ये ग्राफ्टेड है। इसको मैं यहाँ से कट करूँगी, अभी नहीं थोड़े टाइम में, फिर इसको मैं इसी को मैं और अपने जो मेरे पास एडेनियम है उनमें ग्राफ्ट करूँगी। देखिए सब में ये जो जब पत्तियाँ ये झाड़ता है ना तो समझिए कि ये नया मतलब अपने आप को करता है, और फिर नए फूल और ये सारा कुछ ही अपने आप को तैयार करता है। कितना सुंदर कलर है देखिए, इसमें कुछ देसी हैं और कुछ ग्राफ्टेड भी हैं। जैसे ये एकदम रेड खिलता है, आज नहीं खिला हुआ है, और ये देसी है, ये नहीं है देसी, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है। देखिए ये अलग कलर है, ये देखिए इसका थोड़ा पुराना हो गया है, नया को दिखा रही हूँ। ये देखिए
कितना सुंदर कलर है, मतलब जब थोड़ा डिसकलर होते हैं मतलब धूप लगते लगते, और ये सब देसी वैरायटी हैं, लेकिन ये भी बहुत सुंदर होते हैं और इनमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। बस थोड़ी इनकी साफ सफाई करते रहिए, देखिए। और इसको देखिए, थोड़ी सी जगह में कितना सुंदर खिला हुआ है। ये सब हमारे जेड प्लांट हैं, ये ओम है। अभी इसको मैं बार बार बोलती हूँ तैयार करूँगी, और इसको भी, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये इसको मैंने चोटी बनाया है अडेनियम से ही, और इधर हमारे ढेर सारे अडेनियम, एक तितली उधर देखिए, और यहाँ ना एक इसमें ओबेसम अरेबिकम, अरे एक कहाँ गया, ये कैसे टूटा बाबा, देखो ये किसी ने तोड़ दिया। सीड्स हैं इसमें, बन रहे थे लेकिन नहीं, कोई काम के नहीं, खराब हो चुके। मतलब समझिए कि 40, एक में कम से कम 100-150 रहता है, तो 50 अडेनियम का हमारा नुकसान किया। किसने किया, काम करने वाली ने या किसने, पता नहीं। इसीलिए मैं बहुत जल्दी लोगों का भरोसा नहीं करती और नहीं आने देती अपने उसमें गार्डन में, क्योंकि उन लोग ना बहुत रफ़ तरीके से पौधों को छूते हैं, पकड़ते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है ये स्टार फ्रूट, और इधर हमारा ये भी खूब फल आ रहे हैं, इसमें भी चीकू में, और ये जो है सहतूत है। तो इस तरह से हमारा ये अडेनियम का सेक्शन है। अडेनियम बहुत है, हम छत पर भी हैं और इधर भी हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जैसे ये खिला है परचुला का, उधर खिला है कि नहीं, क्योंकि मैं अक्सर सुबह सुबह शूट कर लेती हूँ तो दिख नहीं पाते हैं। ये भी टोपियारी है जेट प्लांट की, और ये बेबी सनरोज। दोस्तों ये हैंगिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा था नहीं, तो अब इसको मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं देखूँगी क्या करूँगी। कलर इसके कितने सुंदर हैं, देखिए देखिए। भोजन पानी के बाद गेट में विश्राम करना भी ज़रूरी है, देखा दोस्तों, ये लक्ष्मी, और उधर गौरी लगी है पेट पूजा में। चंदू अभी अभी निकला भोजन करके। देखिए दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि सिर्फ अनाज पत्ते देती हूँ, घास नहीं मिलता, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। अब गांव होता तो खेतों में मेड़ों से ले आती या मंगवाती। चंदू इधर देखो, इधर देखो, ये देखिए हमारा चंदू भी आ गया, और ये हमारी गौरी माता। लेकिन चंदू वही खाने में घुस गया। ये सीढ़ियों पर से कुछ ऐसा दिखता है मेरा ये बोगनवेलिया वाला जो सेक्शन है, अभी पूरी तरह से नहीं खिला है, लेकिन देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सच में। और पौधे कितने, मतलब किसी ने कहा कितने क्लीन स्वस्थ दिखते हैं, हाँ तो बिल्कुल दिखते हैं, बहुत मेहनत करती हूँ। आप लोगों ने देखा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बाद भी मैंने कल कितनी मेहनत करी है, आप लोगों ने देखा। वीडियो अभी रात में अपलोड करी हूँ ना, तो सब लोगों ने नहीं देखा है। कल का वीडियो आप लोग ज़रूर देखना कि किस तरह से आप मिट्टी को उर्वरक बना सकते हैं, और किस तरह से जीरो बजट में सब्जियाँ उगा सकते हैं, और किस तरह से आप फ्री में खाद तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का, सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।